यहाँ पे कितने लोगों को ऐसा लगता है कि जब प्रेशर फील कर रहे हो, हर किसी बात का प्रेशर है, चाहे पर्सनल लाइफ का हो, प्रोफेशनल लाइफ का हो? प्रेशर ही नहीं है
हम लोग जिसको समझ रहे हैं कि मैं जिस चीज का प्रेशर ले रहा हूँ वो एक्चुअली भी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मतलब अगर मैं बोलूँ कि आपके लिए जॉब प्रेशर है ऐसा आप लोग बोलते हैं तो मैं बोलूंगा वो प्रेशर है ही नहीं, जॉब प्रेशर है ही नहीं। अगर आप मानते हो कि पैसा नहीं है इसलिए मेरे मुझे प्रेशर है तो एक्चुअली वो भी प्रेशर नहीं है। अगर पैसा होता तो लोग बात तब में नहीं बनते। तीसरा चीज, अगर आप मानते हो कि मुझे नौकरी नहीं मिली और मेरी शादी नहीं हुई वो भी प्रेशर नहीं है। अगर आपको झूठ लगता है तो जिनको हुई है उनको पूछिए। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास जो है अभी फिलहाल एट एग्जैक्ट जो है उसको हम लोग छोड़ के जो मेरे पास नहीं है उसके पीछे हम लोग भाग रहे हैं, इसलिए हमारे लाइफ में प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि मैं आपके एक कंपनी को आपको जो आप काम कर रहे हो वहां पे आपको सीईओ बना देता हूँ, मतलब सबसे पहले सबसे ज्यादा जो टॉप मोस्ट की पोस्ट है वहां पे आपको मिला है, लेकिन उसके साथ एक और कंडीशन डाल देता हूँ कि वो जो पर्टिकुलर आज सीईओ है ना उसको शुगर का प्रॉब्लम है, बीपी का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, तो वो सभी प्रॉब्लम के साथ आपको उस कंपनी का सीईओ बनाता हूँ, 2 करोड़ का पैकेज देता हूँ, तो क्या आप सीईओ बनने के लिए रेडी हो? क्यों नहीं हो? फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्या नहीं है? फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्या है? आप फिजिकली स्ट्रॉन्ग। तो अब मुझे बताइए कि आप सभी लोग फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो? एट प्रेजेंट सभी स्ट्रॉन्ग है, चल भी सकते हैं, देख सकते हैं, घूम सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है। तो आप जब जो मेरे पास है, आज मेरे पास क्या है? अच्छी हेल्थ है। क्या है? अच्छी हेल्थ है। तो उसको छोड़ के यानी कि मेरे पास सबसे दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या? हेल्थ होने के बावजूद भी मैं कौन से चीजों का एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ जो मेरे पास नहीं है, जो मेरे पास नहीं है। और वो किससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? किससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? खुद से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और हमारा प्रेशर कौन बढ़ा रहा है? हम खुद बढ़ रहा है। लेकिन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़े हो, जैसे बचपन से आप बड़े हो तो आपको पता है पहले माँ बाप ने बोला कि आपको पढ़ना है, ठीक है, फिर आपने पढ़ाई शुरू कर दी, ठीक है, पढ़ने के बाद फिर माँ बाप के एक्सपेक्टेशन थे कि जॉब मिलनी चाहिए, ठीक है, फिर आपको और प्रेशर बढ़ गया, फिर सोसाइटी में लोग मार्क्स पूछ रहे हैं, परसेंटेज पूछ रहे हैं, और प्रेशर बढ़ गया, क्लास में कोई टेस्ट हो रही है और प्रेशर बढ़ गया, हर जगह पे क्या हो रहा है? प्रेशर बढ़ रहा है। अभी ये क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हमारे माइंड के अंदर, हमारे माइंड के अंदर जो भी चल रहा है वो इंटरनल है, लेकिन हमारा प्रेशर क्यों बढ़ रहा है? बाहरी चीजों की वजह से। क्या हो रहा है? बाहरी चीजों से। और जैसे जैसे हम लोग सोच रहे हैं तो हमारे जैसे मेंटल की हम लोग क्या हो रहे हैं? वीक होते जा रहे हैं, बहुत सारे प्रेशर बढ़ रहे हैं, जॉब नहीं मिल रहा है तो प्रेशर बढ़ गया, पढ़ाई कर रहे हैं मार्क्स नहीं मिले तो प्रेशर बढ़ गया। तो प्रेशर क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हम लोग एक पर्टिकुलर एक जो सिस्टम जो बनाया है, जो किसने, हम लोगों ने नहीं बनाया है, मैंने नहीं बनाया है, वो बाहरी लोगों ने बनाया था और उस सिस्टम में मुझे ढाला जा रहा है। एक्चुअली मेरा, मैं चाहता हूँ नहीं चाहता हूँ ये बिना पूछे ही मुझे उस सिस्टम में ढाला जा रहा है, और उस सिस्टम में ढालने की वजह से मेरा प्रेशर दिन ब दिन कोई ये नहीं पूछ रहा है कि मैं क्या करना चाह रहा हूं,
तो इससे क्या हो रहा है कि हम लोग डे बाय डे इतना प्रेशर बढ़ा रहे हैं और फिर हम लोग अपने आप से भी क्या बोल रहे हैं कि नहीं मुझे जॉब मिलनी चाहिए मिलनी चाहिए मिलनी चाहिए। एक्चुअली क्यों चाहिए, जॉब करने का इंटरेस्ट है नहीं है वो बात की बात है, लेकिन हमारा खुद को फील नहीं कर रहा है। घर वाले पूछ रहे हैं इतने साल की उम्र बढ़ गई है अब तक क्या कर रहे हो, शादी करनी है अभी क्या कर रहे हो, तो ये प्रेशर दिन ब दिन बढ़ रहा है, हर किसी की लाइफ में बढ़ रहा है। तो उस चीजों को उस प्रेशर को हम लोग क्या करेंगे, झेल नहीं पाए। तो हमें करना क्या है, हमें करना क्या है, तो एक तरफ से हम लोग बाहरी दुनिया में जो चल रहा है उससे हम लोगों की डिमांड जो है अपने आप से वो क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, वो डिमांड बढ़ती जा रही है। और जैसे जैसे डिमांड बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे प्रेशर बढ़ रहा है, हम लोग माइंड से ही डिमांड को बढ़ा रहे हैं। तो हमें करना क्या है, डोंट डिमांड फ्रॉम द माइंड, डोंट डिमांड फ्रॉम द माइंड, लेट अस गिव कमांड टू द माइंड। क्या देना है, कमांड देना है। अगर आप देख रहे हो कि एक गाड़ी, अगर रस्ते पे आप बैठे हो और आपके अंदर से गाड़ी जा रही है, एक अच्छी फरारी गाड़ी, ठीक है, या बीएमडब्ल्यू थी, और आपने माइंड से हम लोग क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं मेरे पास भी ऐसी गाड़ी होनी चाहिए, यू आर नॉट गिविंग कमांड टू द माइंड। कमांड नहीं दी है हम लोगों ने, क्या करे, डिमांड कर रहे हैं। हमें माइंड को डिमांड नहीं देना है, हमें माइंड को डिमांड नहीं, हमें माइंड को कमांड, कमांड होते ना जो भी आप चाहते हो उस प्रकार से करना है। हम लोग क्या कर रहे हैं, सपने देख रहे हैं, सपने देख रहे हैं, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, बार बार अपने आप से ही डिमांड करते जा रहे हैं, डिमांड करते जाइए मुझे ये पोजीशन चाहिए, मुझे वो पोजीशन चाहिए। और जितना हम लोग डिमांड करते जाएंगे, हमारे हर एक से डिमांड है, मेरे अगर मेरे घर में है तो मेरे फैमिली वाले मेरे मुझसे अच्छा बेहतर क्यों नहीं कर रहे, या अगर कोई बाहर के लोग है तो मुझे अच्छा क्यों नहीं रहे, मुझे अच्छा मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, कोई मुझे अच्छा मानता क्यों नहीं है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, किससे अपेक्षा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं, हम लोग दुनिया बदलनी चाहिए वो उम्मीद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दुनिया बदलनी चाहिए, वो तो कभी बदलेगी ही नहीं। अगर आप सोचोगे कि मेरे आजू बाजू में मेरे फैमिली में अगर कोई मुझे बुरा लग रहा है वो बदलना चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है। अगर हमें बदलना है तो किसको बदलना पड़ेगा, खुद को बदलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, खुद को बदलना पड़ेगा। और खुद को कैसे बदला जा सकता है कि बहुत बार आप लोग जब समझते हो कि मेरे मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट क्यों नहीं है, क्योंकि मुझे जोर जबरदस्ती से पढ़ाने की कोशिश हो रही है। जिस दिन मुझे खुद को लगेगा कि मुझे पढ़ना चाहिए, जिस दिन मुझे खुद को लगेगा कि मुझे पढ़ना चाहिए, तो आप क्या होंगे, उस दिन आपको बताने की जरूरी नहीं है, क्योंकि उस दिन पढ़ाई आपका इंटरेस्ट बन चुकी है। क्या बन चुकी है, इंटरेस्ट बन चुकी है। आज जो है वो क्या है, प्रेशर है। जिस दिन आपको खुद को लगेगा ना कि मुझे जॉब करना चाहिए, तो उसको उस दिन आपको कोई जरूरत ही नहीं रही कोई मुझे जॉब देना चाहिए या मैं, आप खुद भी उसे ढूंढकर कर सकते हो। तो ये खुद को लगना बहुत जरूरी है, क्या अंदर से फीलिंग आनी चाहिए। और बार बार अगर आप जितने भी चीजें देखोगे तो हमारे ऊपर प्रेशर क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हम लोग कॉम्पीट करना चाह रहे हैं किससे, दूसरों से कॉम्पीट करना चाह रहे हैं, दूसरों से। हम लोग बाहर के लोगों को देखा, उसे इतने मार्क्स मिले मुझे इतने मार्क्स क्यों नहीं मिले। अभी मुझे बताइए कि एक एग्जाम है उसमें इतने मार्क्स मिलने चाहिए तभी आप पास हो गए, ये किसने डिसाइड किया था, आपने किया था नहीं, किसी और ने किया है, किसी और ने किया है, मतलब डिसाइड कोई और कर रहा है, और प्रेशर किसका बढ़ रहा है, हमारा बढ़ रहा है। अगर मैं यहाँ पे आपका किसी को बुलाऊ और उसको दो चाटे मारू और उसको बहुत सारी गाली करूं, तो क्या उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। कोई आपको घर में अगर कोई बोल रहा है कुछ बोल रहा है, तो आपका प्रेशर बढ़ते जा रहा है। क्यों बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कि दूसरे कुछ अगर बोल रहा है इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि मुझे बुरा लगा, इसलिए मुझे बुरा लग रहा है। कोई मुझे मेरी तारीफ कर दे तो मुझे अच्छा लगता है, मतलब आपके माइंड को आपको कौन चला रहा है, दूसरे लोग चला रहे हैं।
आपके माइंड को कौन चला रहा है? दूसरे लोग चला रहे हैं। हमें दूसरे लोग चलाएंगे तो आपके ऊपर क्या होगा, हमेशा प्रेशर बढ़ेगा। जिस दिन आप अपने आप को समझोगे और अपने माइंड को खुद ही ऑपरेट करना शुरू कर दोगे तो उस दिन आपका प्रेशर अल्टीमेटली डाउन होगा। दूसरा चीज, क्या हम लोग जो पाना चाहते हैं वो जब मुझे मिल भी जाएगा, वो जब मिल भी जाएगा तब भी हम लोग खुश हैं? तब भी खुश नहीं है, तब भी प्रेशर है, तब भी प्रेशर है। अगर आपको अगर छूट लग रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपने जब दसवीं में थे तो दसवीं में आपको दसवीं पास होने चाहिए और मुझे इतने परसेंटेज मिलने चाहिए। मेरा क्या था पहले, ड्रीम था। क्या था? ड्रीम था। अब मुझे, मैंने वो चीज पा ली तो क्या खुश है? नहीं है। मतलब जिसके लिए मुझे पैसा चाहिए, मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं आज प्रेशर में जी रहा हूँ। मुझे जॉब चाहिए, जॉब मिल गया, अब क्या? अभी कुछ नहीं हूँ, अभी प्रेशर है क्योंकि जॉब पे जाओगे तो बॉस कुछ बोलेगा, कलीग कुछ बोलेंगे, काम का प्रेशर रहेगा, घर का प्रेशर रहेगा, जाना पड़ेगा। घर में तो अच्छे सो रहे थे, अभी जॉब पे जा रहे हैं तो फिर काम करना पड़ेगा, तो क्या हो गया? प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग जो कर रहे हैं या जो भी हम लोग सोच रहे हैं वो अल्टीमेटली जब एट एक्चुअल में हमें जो मिल रहा है तब भी हम लोग खुश नहीं है, तो खुशी किस में है? हम लोग क्या हो रहे हैं, बाहर का जैसे जैसे एनवायरमेंट चेंज होते जा रहा है वैसे वैसे हमारे माइंड के प्रेशर को अल्टीमेटली चेंज कर दिया। कोई मुझे छोड़ के चला गया तो ये एक पर्सन हो गया, वो पूरा डिप्रेशन में जा रहा है। क्या हो रहा है? डिप्रेशन में जा रहा है। तो क्यों हुआ? अल्टीमेटली जब आप सोचोगे तो जो भी चीज था, जो भी था वो किसके था? आपके अंदर ही था, आपके अंदर ही था। लेकिन हम किस वजह से प्रेशर में चले गए? बाहर में चेंज होने की वजह से। क्या हो गया? बाहर से दुनिया चेंज हो गई। तो हमें क्या समझना है कि मेरे जो अंदर है, मेरे जो माइंड में जो चल रहा है उसको मैं कंट्रोल कैसे कर सकता हूँ? और इसके लिए आपके साथ घर में अगर कोई प्रॉब्लम्स है, कोई झगड़ा कर रहा है, फिर आपका प्रेशर और धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है, तो क्या हुआ इसमें? क्या हुआ कि आपने अपने माइंड को किसके हिसाब से, बाहर में जो कुछ भी गलत हुआ उससे जोड़ दिया। अभी रास्ते में मैं जा रहा था और रास्ते में जाते जाते मटन की दुकान रहती है, ठीक है, तो वहां पे बकरा काटना शुरू था, ठीक है। अभी हम लोग अगर जा गए और मैंने मॉर्निंग में सुबह सुबह देख लिया, देखो मेंटेलिटी क्या है, मेंटेलिटी क्या है, आपको देखकर इतना बुरा लग गया, इतना बुरा लग गया आपका, फिर जाने के बाद आपका प्रेशर बढ़ गया यार कैसे होता है। दुनिया ऐसे ही है, दुनिया ऐसे ही, वो नहीं बदलेगी, आप उसे बदल नहीं सकते हो, आप उसे बदल नहीं सकते हो। लेकिन मैंने वो जब देखा तो मेरे प्रेशर बढ़ गया, मुझे डर लगने लगे। या कभी कभी आपने एक्सीडेंट देख लिया तो क्या हो गया? प्रेशर बढ़ जाता है। क्या हो गया? प्रेशर बढ़ जाता है। उसी चीज को देखते समय आपने अगर एंगल अगर बदल दिया, आपने सोच लिया कि यार ये बकरे को काट रहा है क्या, मैं देख ही लेता हूँ आज कैसे काट रहा है, अरे यार बहुत मजा आ रहा है, वैसे तो चेंज होने वाला नहीं है, वो तो काटने वाला काटेगा, लेकिन हमारा एंगल अगर चेंज हुआ, देख ही लेता हूँ कैसे काटते है, वो फिर कैसे काट रहा है, फिर उसमें से क्या क्या निकाल रहा है, तो मुझे देख कर बहुत मजा आ रहा है। फिर आगे जाकर मैंने एक्सीडेंट देखा, वो आदमी मरा हुआ था, अच्छा हो गया मर गया तो मुक्ति मिल गई मुझे बड़ी। तो मेरा एंगल क्या आ गया, मैंने एंगल ही मैंने पूरा चेंज कर दिया। देखिए मैं चीजों को अब कैसे देख रहा हूँ, उसको प्रेशर से नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि वो देखने से मेरा प्रेशर बढ़ रहा है। तो मेरा जैसे जैसे प्रेशर बढ़ते जाएगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा, मुझे तो प्रॉब्लम्स आएंगी लाइफ में, मुझे प्रॉब्लम्स आएंगी। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, देखने का एंगल ही चेंज कर दिया। अगर कोई झगड़ा कर रहा है आपसे, आप देखकर उसके मुस्कुरा जाओ, क्योंकि उसको तो हम लोग चेंज कर दे नहीं है। आप अच्छे ठीक है, हाँ मैं गधा हूँ, हाँ मैं गधा ही हूँ, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।
अगर कोई यहाँ टेस्ट लेके लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिलने दीजिए, जीरो मार्क्स मिलेंगे तो क्या होगा, मेरा कुछ प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि मेरा प्रेशर बड़ी नहीं मिल, अगर जॉब नहीं मिला ना तो बोल देना अच्छा हुआ जॉब नहीं मिला, तो मेरे नजर में तो जॉब था ही नहीं, अच्छा हुआ जॉब नहीं मिला तो अच्छी बात है, किसी की शादी नहीं हुई ना बोल देना यार अच्छा हुआ मुझे मिली नहीं, तो कौन इतने बड़े मुसीबत से इतने बड़े मुसीबत से बच जाए, तो प्रॉब्लम है क्योंकि क्या है समझे, अगर ये सोच रखोगे कि जो डर होता है ना वो डर है ही नहीं, क्या है डर होता है ना वो अगर डर है ही नहीं, किसी ने आपको बोला गया है ये डर है इसलिए आप डर रहे, अगर आप एग्जाम में फेल हो जाते हो एंड एक्चुअली डर नहीं है, एक्चुअली डर नहीं है, किसी ने बोला है कि अगर आप फेल हो जाओगे ना तो आपकी इज्जत उतर जाएगी पूरी की पूरी, लोग आपको बोलेंगे, तो हम लोग क्या हो रहे हैं और डर रहे, क्या हो रहे हैं और डर रहे, फिर डरने के बाद हम लोगों ने भगवान को पूछना शुरू कर दिया, फिर जैसे जैसे भगवान को आगे हमारी श्रद्धा बढ़ गई है वैसे फिर हमें भूत भी दिखने लगे होता है ना, तो फिर हमारा और डर बढ़ रहा है, तो ऐसा डर क्यों बढ़ा, क्योंकि ये बाहर के लोगों ने बताया, और क्या उस प्रेशर की वजह से उस प्रेशर को मैं अगर फील कर रहा हूँ तो उससे कुछ चेंज हो रहा है, आज कल आपने जो भी प्रेशर लिया है उससे कुछ चेंज हुआ है, प्रेशर से क्या चेंज हो गया, मतलब स्टडी करते हैं ज्यादा प्रेशर आया तो नहीं, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा कि स्टडी करना नहीं चाहिए, ये बात नहीं है, टेंशन बढ़ता है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जिस चीज को आप समझ रहे हो कि वो प्रेशर है वो एट एक्चुअल में प्रेशर है ही नहीं, अगर आपके रिलेटिव की कोई डेट होगी ठीक है बहुत पास कर रहा है, हम लोग जाते हैं रोना आता नहीं है लेकिन रोना पड़ता है ठीक है, अभी मैं ये समझ लू कि एक सेकंड के लिए मेरे माइंड में ये चीज समझ में आ गई मुझे कि एक इंसान है चाहे वो कितने भी पास का है उसे मरना है, वो मर गया है ठीक है, अभी बाहर दिखाने के लिए मुझे खुशी खुशी नहीं हो रही है, मैं बहुत बड़ा दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन मुझे दुखी क्यों हूँ क्योंकि मुझे बताया गया है बार बार कि अगर कोई पास का आदमी चला जाता है ना तो आपको दुखी होना पड़ता है, और बार बार वही वही सोचने से हम लोग क्या होते हैं वैसे ही बन जाते हैं, अगर जॉब नहीं मिली तो आप दुखी हो रहे हो, जॉब मिली तो भी आप दुखी हो रहे हो, पैसे मिले तो भी आप दुखी हो, नहीं मिले तो भी, मतलब हम लोग क्या करें हमारे जो पूरे जो स्ट्रक्चर है यानी कि बाहर के लोग आपको चेंज कर रहे हैं, एक चीज समझ लीजिए हम लोग दुनिया को नहीं बदल सकते, हम लोग दुनिया को नहीं बदल सकते, ना ही हम लोगों को बदल सकते हैं, ना ही हम लोगों को बदल सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को बदल सकते हैं, अपनी सोच को बदल सकते हैं, तो हमें क्या करना है मेंटली स्ट्रांग बनाए, मतलब क्या करना है चीजों को जिन चीजों को आपको प्रेशर लगता है ना उसको ही थोड़ा सा देखने का तरीका ही चेंज करो, अगर कोई होगा ना आपको बहुत ज्यादा प्रेशर दे रहा है, अगर बॉस है बहुत आपको पूरा बोल रहा है आप ना ये नहीं कर सकते उसके तरफ देखो पागल है तो उसको जरा पहले देखो और अंदर से क्या फीलिंग लाना है वो बहुत आपके ऊपर ही करता है और जितना भी प्रेशर है ना अगर सास का प्रेशर है सास बोल रहे तो बोलने दीजिए ठीक है, सास बोलेगी तो सास का प्रेशर बढ़ेगा और उससे ही सांस लेना कठिन होगा, लेकिन उसका बोलने की वजह से अगर आप प्रेशर ले रहे हो तो प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम है,
तो बहुत बार हम लोगों ने ये भी देखा है कि हम लोग हमारे पास अगर हम लोग बोल रहे कि हमें ये चीज नहीं मिली, वो चीज नहीं मिली, अच्छे माँ बाप नहीं मिले, अच्छे पति नहीं मिला, अच्छी पत्नी नहीं मिली, अच्छी गर्लफ्रेंड नहीं मिले, बॉयफ्रेंड नहीं मिला, या कोई भी कुछ भी नहीं मिला है तो भी प्रेशर है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, हम लोग हर बार किसके बारे में सोच रहे हैं, देखिए प्रेशर तो अगर एक पॉइंट में अगर आप देखोगे और इससे जितने मैंने सभी प्रेशर आपसे जुड़े हुए क्या है, जुड़े हुए, और जिस समय मैं जितने भी जुड़े हुए प्रेशर है उसमें अगर एक दीवार खड़ी कर दूंगा, कौन सी दीवार, सोच की दीवार, क्या है, सोच की दीवार, तो आपके अल्टीमेटली जितने भी प्रॉब्लम्स है ना वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। और फिर हमें क्या सोचना है कि मैं अभी इस पॉइंट पे पहुंच चुका हूं जहां से मैं अपने माइंड से डिमांड नहीं कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, डिमांड नहीं कर रहा हूं, मैं अपने माइंड को कमांड देते जा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, कमांड देते जा रहा हूं। अब मैं जो बनना चाहता हूं ना वो मैं कर रहा हूं, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, अभी मेरा इंटरेस्ट और बढ़ रहा है, क्योंकि अभी मुझे कोई बोल रहा है इसलिए मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, क्योंकि एग्जाम है इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूं। देखिए आपका एंगल ही चेंज हो जाएगा, प्रेशर क्यों था, एग्जाम है इसलिए प्रेशर था, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि एग्जाम है इसलिए मुझे पढ़ना ही नहीं है, मुझे पास होने के लिए पढ़ना ही नहीं है, मुझे कुछ लेना देना नहीं है कि मेरा आजू वाला के बाजू वाला टॉपर आ रहा है, मैं नीचे हूं, मैं फेल हो रहा हूं, इसलिए मुझे पढ़ना ही नहीं, मुझे तो क्या है, मुझे तो नॉलेज गेन करना है, मुझे उसमें इंटरेस्ट है इसलिए मैं पढ़ रहा हूं। ये जो सोच बना लोगे ना तो आपको कोई जरूरत ही नहीं करेगी, कोई पढ़ाने वाले की भी जरूरत नहीं करेगी, क्योंकि अभी आप खुद ही पढ़ना शुरू कर रहे हो, आप खुद का ही इंटरेस्ट आपका इतना बढ़ चुका है कि आपको अपने आप ही उसमें मजा आ रहा है। तो अभी हम लोग किस लिए कर रहे हैं, इंजॉय करने के लिए जी रहे, क्या करने के लिए, इंजॉय। यही तो प्रॉब्लम है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइफ को इंजॉय नहीं कर रहे। आज मेरे पास है, मेरे पास अच्छी हेल्थ है, मैं अच्छे खेल सकता हूँ, कूद सकता हूँ, अभी सब कुछ है मेरे पास, तो मैं इंजॉय कर सकता हूँ, तो हमें ये छोड़ के हम लोग इसके पीछे जाए। कोई सवाल पूछे, पूछे और मैं उस सब्जेक्ट को मुझे इंटरेस्ट, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मतलब आपकी चॉइस सबसे पहले गलत है, पहली चीज तो आपकी चॉइस गलत है। दूसरा चीज, अगर आपको वो कंपलसरी पढ़ना भी है तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि उस सब्जेक्ट में मेरा इंटरेस्ट कैसे बढ़ाया जाए, क्या हो रहा है, उससे इंटरेस्ट बढ़ाया जाए, तो आपको क्या करना है, उसको उससे प्रेशर नहीं देना है, उसका प्रेशर नहीं देना है। जब मैं 12th साइंस में था लेकिन मुझे साइंस में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था, मुझे साइंस में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था, तो मैंने पढ़ाई करना ही छोड़ दिया, फेल हो गया, अल्टीमेटली फेल हो गया, मैंने प्रेशर ही नहीं दिया, हो जाओ फेल, क्या फर्क पड़ेगा फिर। लेकिन जिसमें आगे जाकर फेल होना ये गलत बात नहीं है, लेकिन आप उस इंटरेस्ट को जिसमें आपको इंटरेस्ट है उसमें फिर से आपको जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा। मैंने साइंस छोड़ दिया, फिर मैंने आईटीआई में एडमिशन ले ली, वहां पे भी छोड़ दिया, सिंपल सी चीज है, दो साल बर्बाद कर लिए, फिर घर वाले भी गालियां दे रहे, फिर बाजू वाले काय करता है, मैंने तो कहीं नहीं करता है, बट छोड़ दिया, प्रेशर ही नहीं है। फिर जाकर मैंने एक पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट लिया, फिर बाद में बोला जाने दो, ये सब कुछ लेना देना नहीं है, एग्जाम पकड़ो, अपने किताबें पकड़ो, खुद ही पढ़ो, इंटरेस्ट आने लगा, जिसमें इंटरेस्ट आया उसमें अच्छे मार्क्स मिल गए, आगे बढ़ गए, आपकी लाइफ रुक गई, अगर आपको करना है तो कीजिए, मत करना है तो मत कीजिए, आपने कीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, लेकिन वो किसकी सुनकर, अपनी आपकी सुनकर। अगर आप बोल रहे हो कि मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है फिर भी मैं उसमें जा रहा हूं, इसका मतलब आप खुद नहीं चाहते हो ये करना, आप खुद नहीं चाहते हो, आपको किसने बोला है इसके आप करते,
आपने बताया है इसलिए आप कर रहे हैं, तो ये समझना जरूरी है। और फिर आप हर सब्जेक्ट को अभी आप कोई भी एंगल से देख लो, कोई भी प्रेशर आप देखोगे वो एट एक्चुअल प्रेशर है ही नहीं, वो हम लोग मानते हैं। तो हमें क्या करनी है, एक ऐसी दीवार खड़ी कर देनी है कि चाहे बाहर का कुछ भी बोले, चाहे बाहर का कुछ भी बोले, आपको अपनी जो सोच है उसको चेंज नहीं करना है।